इक्वल राइट्स हमारे लिए होना चाहिए एंड क्रिटिसाइजिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज कल को तुम्हारे घर में भी हिजड़ा गे यू नो इज जो भी है LGBT कम्युनिटी की प्राइड कहीं से भी आप घर में पैदा हो सकते हैं, तो प्लीज़ हम लोग को भी नॉर्मल पीपल के सारे जजमेंट करें पीछे से बीचिंग और सेक्स वर्कर की तरह हमें ट्रीट किया जाता है और यू नो दे लाइक दे कीप लाइक सेक्स सिंबल, तो वो ना सोचे प्लीज़। तो मेरे लिए प्राइड का मतलब ये है कि मैं खुद को सबसे पहले एक्सेप्ट करूं और समाज में मैं जैसी हूं वैसे ही मैं अपने आप को सामने रखूं। स्कूल्स में ही हर तरह के यौन रोगों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। 7 साल रिलेशन से मैं रहा हूँ मैं, लेकिन घर वालों के डर की वजह से फिर पीछे स्टेप मैंने ले लिया। संसद मार्ग पे आप तमाम लोग देख रहे हैं जो हजार 2000 की संख्या में यहाँ लोग आए हैं और अलग अलग तरीके के परिधान पहने हैं, तैयार लोग जो हैं दिख रहे हैं सबसे। इधर आ जाइए बहुत क्या नाम है आपका? हाय सिमरन। तो आज ये दिल्ली, हाँ दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? कौस्तव, आई एम आल्सो फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से। तो आज यहाँ पर आप तमाम लोग आए, इतने अच्छे अच्छे आपने परिधान पहने हुए, इतने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। हाँ। लेकिन आप लोगों को अलग नजरिए से देखा जाता है समाज में। द पीपल लाइक योर सोसाइटी स्टिग्मा ना, यू नो घर से ह्यूमिलेट करते हैं, फिर फैमिली, फिर इन फ्रेंड्स एंड कॉलेज एंड ये। बट देख, मैं सोसाइटी से और गवर्नमेंट से चाहती हूँ, सिर्फ सरकार से, दैट इक्वल राइट्स हमारे लिए होना चाहिए एंड क्रिटिसाइजिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज कल को तुम्हारे घर में भी हिजड़ा गे यू नो इज जो भी है LGBT कम्युनिटी की प्राइड कहीं से भी आप घर में पैदा हो सकते हैं, तो प्लीज़ हम लोग को भी नॉर्मल पीपल के सारे जजमेंट करें और प्लीज़ ये जो कि सोसाइटी में जो लाइक ये ही यू नो एक अलग अलग नामों से हमें एड्रेस ना करें। तो यू नो इक्वालिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दूसरा आज़ादी फ्रीडम जो नॉर्मल लोग के लिए बनाई गई वो हमारे लिए भी होना चाहिए, और यू नो इज एजुकेशन और ये हेल्थ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, परेशानियां कहां पर आ रही हैं? आप जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं क्या आपको तुरंत इस तरीके का? नो दैट्स पीपल इज सोसाइटी सिग्मा, यू नो डॉक्टर इज लाइक माय गॉड द पीपल इज हु पर्सन इज लाइक कैसा यू नो इज आइडेंटिफाई, तो वहां पे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी अपने आप को हर चीज डिटेलिंग में बताना, एंड डॉक्टर इज लाइक दे कांट टच मी ना, लाइक वो टच करने से पहले भी वो आइडेंटिटी पूछता है। तो इट्स नॉट अबाउट एड्रेस, हम लोग कोई एड्रेस नहीं है कि जो हमें बार बार एड्रेसिंग करे, और यू नो हर जगह से सोसाइटी क्रिटिसाइजिंग है, तो यू नो आने वाली जनरेशन कुछ एक्सेप्टेड कर रही है, तो पहला जो स्टेप है मैं चाहती हूँ कि वो हमारे घर से ही सोसाइटी एक्सेप्टेड करे और हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करे, सेकेंड रोल तो हमारी सोसाइटी का है। फर्स्ट लिखे आप? मैं भी पढ़ ही रही हूँ। हाँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर पढ़ी रही हूँ अभी भी। लेकिन आप लोगों में भी मैं देख रही हूँ कि पीपल इज, हाँ मैंने वही बोला ना, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जैसे एक एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ के लिए हमारे लिए काम करे गवर्नमेंट, एजुकेशन के लिए हमारे लिए काम करे, और सोसाइटी में जो क्रिटिसाइजिंग है पुलिस ऑल दैट यू नो ये जो लोग हमारे लिए पीछे से बीचिंग और सेक्स वर्कर की तरह हमें ट्रीट किया जाता है और यू नो दे लाइक दे कीप लाइक सेक्स सिंबल, तो वो ना सोचे प्लीज़। यू नो आई एम ऑल्सो ब्लडेड सेम, आई एम ऑल्सो स्किन सेम, यू नो एवरी बॉडी इज माई सेम, तो नथिंग क्रिटिसाइजिंग फॉर मी। ओके, हाँ अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ, उन्होंने इंग्लिश में बोला, आप थोड़ा हिंदी में बोलिएगा। तो जैसे आप लोगों को या तमाम लोगों को एक ये बोला जाता है ना, मर्द को बोलते हैं कि क्या मैं वो नाम नहीं ले सकती, किन्नर बोला जाता है कि आप उसकी तरह क्या दांत फाड़ रहे हो, ये कितना बुरा लगता है कि आप लोगों को इस तरीके से लोग जो है ट्रीट करते हैं, बोलते हैं आपका नाम लेकर के। हाँ बुरा लगता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम अपने आप को खुद एक्सेप्ट करें, खुद अपने आप को स्वीकार करें जैसे हम हैं, और उस हिसाब से हम अपने आप को जाहिर करें, और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के फैमिली ने भी मुझे शुरू में जब एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने खुद को एक्सेप्ट सबसे पहले किया। तो मेरे लिए प्राइड का मतलब ये है कि मैं खुद को सबसे पहले एक्सेप्ट करूं और समाज में मैं जैसी हूं वैसे ही मैं अपने आप को सामने रखूं, और उस हिसाब से अपने आप को उस रूप में रखूं सामने, तो हर कोई इवेंचुअली अगर आज नहीं एक्सेप्ट करता तो कल करेगा, अगर नहीं कभी नहीं करते तो ये उनका प्रॉब्लम है। मर्जी से कोई पार्टनर को चूज कर लेते हैं,
उसके बाद वो पार्टनर आपका साथ निभाता है या वो भी इस तरीके से आपके साथ खेल के या फिर इस तरीके से चला जाता है? देखो ये तो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी भी ये स्टिग्मा है हमारे समाज में कि हर कोई ऐसे खुल के नहीं आना चाहता, तो इसके वजह से बहुत लोग दूर हट जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो मुझे ऐसे लगता है कि हर रिलेशनशिप में होता है, तो उसके लिए अलग से बुरा लगने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। जो मेरे लिए जिसके साथ मेरी किस्मत बंधी होगी उसके साथ मैं जुड़ जाऊंगी, मुझे यही चीज़ लगती है। आपको लगता है एक पठान मूवी में जो दीपिका पादुकोण ने ड्रेस पहनी है भगवा ड्रेस होने के कारण और अश्लीलता फैलाने के लिए उस पर इतना तांडव हो रहा है, तो आपको लगता है कि आपके इस रिलेशन को वो एक्सेप्ट करेगा हिंदू राष्ट्र? अगेन मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो कुछ लोग हैं। इस देश में कई धर्म हैं और कई अलग अलग तरह के लोग हैं और हर किसी की सोच अलग है, तो कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना नज़रिया है। तो सबसे वही चीज़ है कि जो हमको एक्सेप्ट करते हैं उनके साथ चल पड़िए और जो हमको एक्सेप्ट नहीं करते उनको सलाम कह के आगे बढ़िए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कम्युनिटी के लोगों को समझने के लिए कि आप खुश रहिए, आप अपने आप जैसे हो उस तरह से खुद को एक्सेप्ट करें और उसी में खुश रहिए और सबसे हंस खेल के मिलिए, और जो जिनको आपके साथ चलना होगा वो आपके साथ चल ही पड़ेगा। पठान मूवी का बायकॉट हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी टीवी मीडिया देखते होंगे, हाँ जी, मूवीज भी देखते होंगे, पठान मूवी आने वाली है, आप भी बायकॉट करते हैं या पठान मूवी देखने जाएंगी? मैं तो ज़रूर जाऊंगी क्योंकि दीपिका ने इतना अच्छा डांस किया है उसमें। और रही बात क्लोथ की, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए उस चरित्र के लिए वो क्लोथ सही था। जब पूरे ढके कपड़े पहने थे उसने ढके कपड़े पहने हैं, बाजीराव मस्तानी में पूरे कपड़े उसने पहने हैं, फिर पद्मावत में उसने पूरे कपड़े पहने हैं, तो जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है रोल की रिक्वायरमेंट जैसी है उसने वैसे ही ड्रेसअप किया है, तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता है। सो कॉल्ड जो हिंदू राष्ट्र वाले जो लोग हैं जो बोलते हैं बेशरम रंग बता दिया गया भगवा को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भगवा रंग को बेशरम रंग नहीं बोला है गाने में, वो समझना ज़रूरी है कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही है कि वो बेशरम अपने बेशर्मी पे वो सामने ला रही है, वो अपने जो कॉस्ट्यूम पहना है उसके रंग को बेशरम नहीं बता रही। वही चीज़ है कि हम एक बात को कैसे घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के समझते हैं, उस पर सारा कहानी बदल जाता है। अच्छा, सेक्सुअलिटी को लेकर जैसे आप लोग जैसे जो भी संबंध बनाते हैं तो वो HIV का भी मैंने अभी यहाँ पर किसी के हाथ में देखा, तो ऐसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं आप लोगों को? हाँ, ऐसी चीज़ें भी फेस करनी होती हैं, HIV वगैरह हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये प्रिकॉशन वगैरह इस तरीके की, मैं भी खुल के बात कर रही हूँ, हमारे तमाम लोग दर्शन भी देख रहे हैं, हाँ जी, कि तो प्रिकॉशन वगैरह यूज नहीं करते हैं, आप लोगों को सेक्स वर्कर के रूप में भी देखा जाता है, बोला जाता है, कैसा? सबसे इम्पॉर्टेंटली मुझे जो लगता है कि सबसे पहले तो स्कूल्स में ही हर तरह के यौन रोगों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। इट इज़ मतलब वो LGBT कम्युनिटी से है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, इस चीज़ के बारे में डिटेल जानकारी हर किसी को मिलना चाहिए कि यौन रोग कैसे होता है, किस तरह से ये चीज़ फैलती है और इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने पूरा अपना ग्रेजुएशन किया है, लेकिन कभी भी हमारे स्कूल में कभी इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताया गया, ना कभी विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में, किस तरह से इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए वो कभी नहीं बताया गया। अच्छा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इस तरीके से रहते हैं ये वो, तो कभी आपको ऐसा इंसल्टिंग फील हुआ कि यार मैं ऐसे कैसे और ये सब? हाँ, बचपन में ऐसे लगता था कि क्यों लोग मुझे ऐसे इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने खुद को अपने हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया फिर वो कोई प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं, कि अगर मैंने अपने कोई अगर मुझे नहीं पसंद करता है तो उसकी मर्ज़ी, वो जाए अपने रास्ते, और जो पसंद एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे इस रूप में स्वीकार करते हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे इस रूप में जिन्होंने मुझे स्वीकारा है, और वही मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, आप जो डिमांड और ये लेकर आए अपनी मांगे,
तो क्या गवर्नमेंट आपकी मांगे सुनेगी, क्योंकि वो 377 आपको ऑलरेडी दे चुकी है, उसमें तो पीछे हट चुकी है वो, आपको लगता है और डिमांड जो मांगे हैं आपकी वो मानेगी? वक्त के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें ज़रूर बदलेंगी और आगे चल के हमारी दूसरी मांगे भी ज़रूर पूरी होंगी, मुझे ऐसा ज़रूर उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था? कौस्तव। कौस्तव, बहुत अच्छी ड्रेस सेंस लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉस्ट्यूम। तो ये हमारे साथ थी, तो इन्होंने जो बताया कि सबसे पहले एक्सेप्ट खुद को करना चाहिए लोगों को, तब जो है तमाम लोग आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये डांस करते हुए और भी लोग आ गए, क्या नाम है आपका? दानिश, फ्रॉम गाजियाबाद। गाजियाबाद से यहाँ आए हैं? हाँ जी। अच्छा दानिश, आप भी किसी रिलेशन में हैं? नहीं अभी नहीं। अच्छा बनहोरा? पहले था लेकिन अब सिंगल हूँ। अब सिंगल है? 7 साल रिलेशन से मैं रहा हूँ मैं, लेकिन घर वालों के डर की वजह से फिर पीछे स्टेप मैंने ले लिया, लेकिन अब ये देखकर आज़ादी की अब खुशी हो रही है, हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, दोबारा से मैं आना चाहता हूँ कि हाँ मैं अब फिर से जीना चाहता हूँ, जीऊँगा मैं। ऐसा लग रहा है खुल के जी सकोगे? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, अब हम जी पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन रहा, आप उसमें खुल के जी सकते हो? जी रहे हैं अभी तक, तो आगे भी जियेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो ये दानिश थे, तमाम लोग यहाँ पर जो है खुश हैं आज इस प्राइड को लेकर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खुशी है लोगों में, अपने तरीके से जीने का एक सलीका जो बता रहे हैं लोग, अपने तरीके से जीना चाहिए, अपने तरीके से पहनना चाहिए, अपने तरीके से खाना चाहिए। तो ये राइट्स हर किसी का है, एक मेरे जैसे इंसान को जब राइट्स है तो ऐसे लोगों को भी राइट्स मिलना चाहिए। तो इनकी जो डिमांड्स और मांग है वो वाकई में इनकी पूरी होनी चाहिए, मैं तो इनके साथ हूँ। और आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में, आप अपनी राय भी ज़रूर रखिए, क्योंकि इन लोगों के भी हक हैं, अधिकार हैं, ये भी खुलकर जीना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिस तरीके से रहना चाहते हैं, इनको भी आज़ादी है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा चंद्र मंत्र, दिल्ली।